गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट, एक ज़रूरी न्यूज़ शेयर करने लाया हूँ। जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, टाइटल से देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं LIC असिस्टेंट के पटना लिंक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो आपके लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी है LIC करियर्स पे। जैसे ही आप गूगल में टाइप इन करेंगे, जो पहला लिंक आए उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये विंडो अपीयर होगी। क्या करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगी ये विंडो। अब देखिए, दो लिंक हाईलाइट हो रहे हैं, जिसमें से एक तो आपके मणिपुर जोन इम्फाल का जो लिंक है कॉल लेटर के लिए, वो शो हो रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है। तो उस पर तो एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो अब अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और 13 तारीख को शायद उनका एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स। अब इसके जस्ट नीचे एक और लिंक हाईलाइट हो रहा है, एक्टिवेट किया गया है, लिंक फॉर सेलेक्टिंग पटना 1 पटना 2 डिवीज़न। तो इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स असमंजस में हैं, काफ़ी डाउट्स में हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी हैं मेरे पास कि सर ये जो लिंक है इसमें करना क्या है। क्योंकि जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही IBPS का आपका जो स्टैंडर्ड जो विंडो है क्रेडेंशियल डालने वाला, वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप डालेंगे, कैप्चा इमेज डाल के लॉगिन जब करेंगे, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। बहुत बच्चों के ये डाउट है कि कहीं कई बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है पटना का रिजल्ट आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये है क्या, जब आपसे फॉर्म फिल करवाया था, पटना के लिए 2 डिवीज़न थे, डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 सेलेक्ट नहीं किया था, जिसके कारण इन्होंने फिर से लिंक एक्टिवेट किया है, फिर से लिंक एक्टिव किया है, जिससे कि आप डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इनवैलिड दिखा रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये कि फॉर्म भरते टाइम हो सकता है आपने मेंशन कर दिया हो या फिर सेलेक्ट कर लिया हो डिवीज़न, तो आपके लिए अब ये नहीं शो को करेगा। जिन जिन बच्चों ने नहीं सेलेक्ट किया था, सिर्फ उन्हीं के लिए ये एक्टिव होने वाला है विंडो, सिर्फ उन्हीं के लिए ये खुलेगा। और अभी अगर आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया था, फिर भी नहीं खुल रहा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, डिवाइस चेंज करके देखिए, थोड़ा समय दीजिए, और थोड़े समय बाद ज़रूर ही ओपन हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आज से स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 11 नवंबर। 11 नवंबर मतलब आज का 9, 10, 11, 4 दिन है आपके पास। बेसिकली आप ट्राई करते रहिएगा, तभी ट्राई कीजिएगा अगर आपने फिल नहीं किया। अगर फिल कर दिया है तो आपके लिए शायद ये ओपन नहीं होगा। तो बेसिकली है क्या दोस्तों, ये कुछ नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था तो पटना 1 और पटना 2 डिवीज़न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं सेलेक्ट किया था, जिसके कारण इनको LIC को फिर से लिंक को एक्टिवेट करना पड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मुझे लाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना के थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या इश्यू है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, मत चिंता कीजिए, अभी टाइम है। अभी तो पहले इम्फाल रीजन का क्लियर होगा, इम्फाल जो मणिपुर जोन है उसका एग्ज़ाम होगा, और उसके भी आप मानिए कि 2-3 वीक के बाद ही रिजल्ट आएगा। मतलब इस मंथ के एंड या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट नाइट।